नमस्कार मित्रों, अभी आप देख रहे होंगे सैनिक स्कूल का ये प्रैक्टिस सेट है जीके का। आइए हम सॉल्व करते हैं। आप देखिए, इसमें कुछ वैसे भी क्वेश्चन होंगे जो हम आपके लिए देंगे। आप देखिए, पढ़िए, समझिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुरू करते हैं। लिखा है क्वेश्चन की एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, एनर्जी या लाइट एनर्जी। तो इसका आंसर होगा सही, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूल इज जनरली फाउंड इनसाइड द फील्ड, अर्थ, रिवर, नॉन ऑफ दीज। यानी कोल जो है, कोयला कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर लगाएंगे हम अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का एसआई यूनिट क्या है। जूल है, एम्पियर है, मीटर सेकंड है या न्यूटन है। इसका सही आंसर है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है। क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन। इसका सही आंसर है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना वर्ड एस कंट्री इज लोकेटेड इन, यानी घाना जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पे है। असम है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है या नॉन ऑफ दीज है। इसका सही आंसर होगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, इसमें है मरकरी। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें मार्स दिया है, यूरेनस है, नेपच्यून है और मरकरी है। तो मरकरी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, यानी वैसा जगह जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम क्या कहेंगे। डॉल्टा, गोल्फ, आइसलैंड या स्टेट, उसको डेल्टा कहते हैं। वैसा जगह जो चारों तरफ पानी से घिरा हो। और आइसलैंड का भी कभी कभी नाम आता है कि आइसलैंड भी वैसा जगह या टापू जिसको कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो। तो इसमें थोड़ा सा डेल्टा ऐसे बनाता है, नदी ही बनाती है डेल्टा, जहाँ पे खाली जगह होता है जो चारों तरफ से, ये भी नदी से घिरी हुई रहती है। इसका आंसर आप भी खोजिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का लेक इज अ लैगून इन, यानी ये झील जो है चिल्का झील, ये कहाँ अवस्थित है। कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा या तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु रोट माई कंट्री माई लाइफ, यानी मेरा देश मेरा जीवन, ये किसके द्वारा लिखा गया है। सत्यजीत राय हैं, डेविड बेकहम हैं और एलके आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी है, आर के नारायण, यानी तो इसका सही आंसर होगा एलके आडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर में समतल सतह में, समतल मिरर में किस तरह के इमेज बनते हैं। डिमिनिश्ड यानी छोटा, इरेक्ट यानी सीधा, इन्वर्टेड यानी उल्टा या इनलार्ज यानी बहुत बड़ा। तो इसमें हमको लगता है सीधा ही बनता है, इरेक्ट। इसका भी आंसर आपसे हम चाहेंगे कि इसका आंसर मुझे कमेंट में करें कि कौन सा आंसर ज़्यादा करेक्ट है या बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सर्किट, इसका सर्किट है, ऑर्बिट है, फिलामेंट है, नॉन ऑफ दीज। इसका सर्किट आई थिंक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डिजॉल्व इन वाटर, यानी इसमें कौन सा है जो पानी में घुस सकता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉन ऑफ दीज है। सही आंसर होना चाहिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, मैन का वैज्ञानिक नाम क्या है। पैवोक्रेटस है, होमोसेपियंस है, रैना टिग्रिना है, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस जो है ये बाघ का है, रैना टिग्रिना जो है मेढक है, और पावोक्रेटस जो है ये मूर का साइंटिफिक नेम है। तो एक बचा ये होमोसेपियंस, ये आदमी का साइंटिफिक नेम है। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड, यानी नीली क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति दूध से होता है, ठीक है, हरित क्रांति यानी फसलों के आशा से ज़्यादा उत्पादित होने को हम कहते हैं हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन। यहाँ पूछा गया ब्लू रिवोल्यूशन, तो आइए देखते हैं। मिल्क प्रोडक्शन, इसको तो हम वाइट रिवोल्यूशन, राइस प्रोडक्शन यानी ये हो जाएगा ग्रीन रिवोल्यूशन, फिश प्रोडक्शन और पोल्ट्री फार्मिंग, इसका सही आंसर होगा फिश प्रोडक्शन, यानी मछली के आशा से ज़्यादा उत्पादन होने को ही कहते हैं हम ब्लू रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फोर्स, यानी फोर्स में फोर्स कौन सा नहीं है। तो पुश ग्रेविटी भी फोर्स है, पुल भी फोर्स है, फोर्स का एग्जाम्पल है पुश और पुल, इज कॉल्ड फोर्स होता ही है। सनलाइट है, इसमें ये फोर्स नहीं है, यानी करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, सनलाइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए हम दे रहे हैं, आप इसे मुझे बताएं कि लखनऊ सिटी इज फेमस फॉर, यानी लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? एप्पल के लिए प्रसिद्ध है, ऑरेंज के लिए प्रसिद्ध है, बनाना के लिए या मैंगो के लिए? आई थिंक एप्पल होना चाहिए, बट इसका करेक्ट आंसर आपकी तरफ से हम चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, मैंगो इसका आंसर। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 में इसमें कौन व्यक्ति जो था जो पार्टिसिपेट नहीं किया था? नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई का ना ही नाम था, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब एक इनके दोस्त का नाम था नाना साहिब, हाँ एक भगत सिंह है। इसका आंसर आपकी तरफ से हम चाहेंगे कि 1857 में किसने नहीं किया था, आप इस मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया, सियोल है, नैरोबी है, रोम है और प्योंगयांग है? इसका करेक्ट आंसर है प्योंगयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाई, यानी हम ब्लड प्रेशर जिसको हम क्या कहते हैं बीपी कहते हैं, बीपी ये दो तरह का होता है, एक सिस्टोलिक होता है और दूसरा डायस्टोलिक होता है। तो यहाँ ब्लड प्रेशर से एक बात और जान लें, 120/80 जो होता है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ह्यूमन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वो 120/80 होता है, इसमें 120 सिस्टोलिक और 80 जो हो जाता है वो डायस्टोलिक हो जाता है। आइए, इसमें थर्मोमीटर है जो टेम्परेचर को मापा जाता है, डुगलास बैग लिख रहा है, स्फैग्नोमैनोमीटर है और स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप से हम चेस्ट का साउंड पता करते हैं, जबकि स्फैग्नोमैनोमीटर से हम बीपी चेक करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड आर एसोसिएटेड विद, यानी ऑस्कर अवार्ड किस में दिया जाता है, लिटरेचर में, स्पोर्ट्स में, साइंस में या फिल्म में? तो इसका सही आंसर होगा फिल्म में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्योर वाटर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये मित्रों आपके लिए प्रश्न एक आया बैड है, यानी पानी जो है, शुद्ध जल जो है वो बिजली का क्या है, अच्छा कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है या गुड कंडक्टर है या वो कुछ भी नहीं है, पानी में धारा प्रवाहित होती ही नहीं है, ये आप इसका सही आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, यानी हवा में ऑक्सीजन नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो ये 78%, 10%, 74% या 24%? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 78%। अगर हम CO2 की बात करें यानी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 0.4% है, और ऑक्सीजन की बात करें तो वो 21% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज डैश इन एयर, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्या बढ़ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए रहा। चलिए एक और क्वेश्चन ताकि आप मेरे से जुड़ें और जवाब दें, बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टीवर है, एस्टी लॉरेंस है, हटसन है या डार्लिंग है? तो यहाँ सही आंसर है इसका टीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल अंबानी इज अ फेमस, यानी किस में प्रसिद्ध है, ये क्या भाई पेंटर्स हैं, डांसर हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं या नोवेलिस्ट हैं, क्या नोवेल लिखते हैं? नहीं, तो इसका सही आंसर है इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी ये क्या है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, यानी उद्योगपति हैं। यहाँ पे ये आप जीके का सेशन ख़त्म होता है, आप मेरे चैनल पे मैथ भी देख सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट भी जो जो बनते जाएगा हम आपको प्रोवाइड कराते जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, देखते रहिए और ज्ञान हासिल करते रहिए।